Now we'll see types of family therapy. इंडिविजुअल फैमिली थेरेपी, कंजॉइंट फैमिली थेरेपी, कपल्स थेरेपी, मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी, मल्टीपल इंपैक्ट थेरेपी एंड नेटवर्क थेरेपी। सो नाउ विल सी वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली थेरेपी। सो इन द इंडिविजुअल फैमिली थेरेपी हर एक फैमिली मेम्बर को एक थेरेपिस्ट उसके साथ होता है। एक थेरेपिस्ट क्या करता है, उन सारी एक मेम्बर के साथ एक थेरेपिस्ट, दूसरे मेम्बर के साथ दूसरा थेरेपिस्ट, और वो इंडिविजुअली उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओकेजनली वन जो थेरेपिस्ट है वो साथ में फैमिली मेम्बर्स को लेके, और सारे थेरेपिस्ट क्या करते हैं, साथ में फैमिली मेम्बर्स भी और वो थेरेपिस्ट भी बैठ के ये डिस्कस करते हैं, ये चीज़ें असिस करते हैं कि जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कंजॉइंट फैमिली थेरेपी। दिस इज द कॉमन टाइप ऑफ फैमिली थेरेपी, ऑल्सो नोन एज सिंगल फैमिली ग्रुप थेरेपी। सिंगल फैमिली ग्रुप थेरेपी, इसमें सिंपल सा है, आप एक फैमिली को एक थेरेपिस्ट असाइन होता है, वो थेरेपिस्ट उनके इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो भी होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, या उनको फोकस करके उनको उनके सजेशंस बताता है किस तरीके से फैमिली को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। मेनली स्टार्ट करता है वो किस तरीके से फैमिली मेम्बर्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पैटर्न, उसके बेसिस पे ही, वो इंटरेक्शन के बेसिस पे ही प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जाती है, उनके पैटर्न को इम्प्रूव किया जाता है, और ये चीज़ उनको सिखाई जाती है कि फैमिली किस तरीके से इफेक्टिवली जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है उनसे डील करें। सो दिस इज अबाउट कंजॉइंट फैमिली थेरेपी। नेक्स्ट इज कपल थेरेपी। कपल थेरेपी में जो थेरेपिस्ट है वो दोनों कपल्स को साथ में ही डील करते हैं, साथ में ही उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, साथ में उनके साथ इंटरेक्शन होता है। कपल्स मैरिज में, उनकी जो मैरिज हुई है उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो साथ में क्यों नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको फैमिली पैटर्न बताया जाता है, इंटरेक्शन के बारे में अवेयर कराया जाता है, कम्युनिकेशन स्टाइल उनका इंप्रूव किया जाता है, फैमिली पार्ट जो ये दोनों पार्टनर्स हैं उनकी जो गोल्स हैं, होप्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको असिस्ट किया जाता है, और जो थेरेपिस्ट है साथ में बैठ के ये डिस्कस करता है कि किस तरीके से वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी एक दूसरे की सिमिलैरिटीज को रिस्पेक्ट करके, रिकॉग्नाइज करके, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट रिकॉग्नाइज करके, रिस्पेक्ट करके। सो दिस इज अबाउट कपल थेरेपी। नेक्स्ट इज फैमिली ग्रुप थेरेपी, मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी। इन दिस 4 to 5 फैमिलीज आर टेकन, दे मीट वीकली टू कन्फ्रंट एंड डील द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज फेस्ड बाई देम। तो जितनी भी उनकी प्रॉब्लम इश्यूज हैं वो जो 4 to 5 फैमिलीज हैं हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिमिलर होती हैं, जिन चीज़ों को वो फेस कर रहे होते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को वो सिमिलर होती हैं, तो ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, सोशल स्किल्स से रिलेटेड है, एंगर ज़्यादा है, अब्यूज, नेग्लेक्ट, कुछ भी है, वो सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज ये सब साथ में बैठ कर डिस्कस करते हैं, तो इसके थ्रू वो ये फैमिलीज ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जो इनका नेटवर्क होता है वो भी इससे इम्प्रूव होता है, न्यू रिलेशनशिप डेवलप होती है। नेक्स्ट इज मल्टीपल इम्पैक्ट थेरेपी। इसमें जो बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं वो उस सेटिंग में रहते हैं जहाँ पे फैमिलीज जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो रहती है, ठीक है, तो सेवरल थेरेपिस्ट साथ में है उस कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे फैमिलीज को हेल्प चाहिए, वो उनके साथ रहते हैं, उन इश्यूज को ऑब्जर्व करते हैं जो जो वो फैमिलीज फेस कर रही है, फिर वो किस तरीके से वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो थेरेपिस्ट उनको हेल्प करते हैं। कुछ सिमिलर है मल्टीपल फैमिली ग्रुप थेरेपी में, बस मल्टीपल ग्रुप थेरेपी में साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो इनके साथ रहते हैं, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड कर सकता कोई थेरेपिस्ट, तो टाइम लिमिटेड भी हो जाता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क थेरेपी। ये भी आपका होम सेटिंग में ही होता है, जो कम्युनिटी सेटिंग है वहीं पे होता है, इसमें आप फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो भी फैमिली है उनके फ्रेंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, नेबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उनके उनको इंक्लूड कर सकते हैं, और उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है इन दी नेटवर्क थेरेपी। तो मेन फोकस इसका क्या है, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क में डिस्कस करना, नेटवर्क में डे टू डे जो इश्यूज है उनको डिस्कस करना। इसमें आप 40 to 60 जो पीपल्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इस नेटवर्क में। तो जो भी अगर कोई भी जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम के मैनेजमेंट के लिए अगर कोई भी इनिशिएटिव ले रहा है तो उनके लिए रिवॉर्ड्स आप छोटे से रख सकते हैं, देन नेटवर्क के थ्रू ही जो इश्यूज हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स
का सोल्यूशन आता है। यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो ऐसे गाइड काम करता है, इश्यूज को किस तरीके से क्लैरिफाई करना है उसमें असिस्ट करता है, इंपॉर्टेंस बताता है कि क्यों नेटवर्क इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से नेटवर्क को यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फैमिली थेरेपी एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक दैट इज फैमिली थेरेपी। थैंक यू।